तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंटीजर्स, और इनके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1E। तो देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 8 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट -10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर सेटिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका जो फ्रिज कंपार्टमेंट है वो 8 डिग्री सेल्सियस पर सेट है, और इसका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है रेफ्रिजरेटर का वो -10 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। तो हमें इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में, उसका जो फ्रिज कंपार्टमेंट है और उसका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ली है कुछ इस तरह से, टेम्परेचर ऑफ फ्रिज कंपार्टमेंट। तो फ्रिज कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है हमारे पास 8 डिग्री सेल्सियस, और इसने दिया हुआ है फ्रीजर कंपार्टमेंट का, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट का कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका हमारे पास इतना है। अभी देखिए डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 8 से जब हम चलेंगे ना नीचे की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि डाउन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम प्लस। तो 8 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8, और ये माइनस, ठीक है, और -10। तो ये 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, सो 18 डिग्री सेल्सियस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ कंपार्टमेंट्स। तो दोनों जो कंपार्टमेंट है ना उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस का आएगा। ठीक है, अब देखो इसको ना मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ, अगर समझने के लिए हम करना चाहें इसको, तो हम एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे होगा कितने तक था, ये 8 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो 8, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, इसके नीचे 3, ठीक है, इससे कम 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और ये हमारा -8, ठीक है, -8 तक जा रहा है। तो अभी हम देखो -10 तक जा रहा है, ठीक है, -9, और ये -10। तो 8 से चलते हैं हम नीचे की तरफ, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है इसने, ए कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड देन मूव्स 14 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ अलोंग द सेम रोड। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवार्ड्स साउथ, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो इसने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक कार है जो पॉइंट ए से नॉर्थ डायरेक्शन में 17 किलोमीटर जाती है, और फिर उसी रोड के अलोंग वापस पॉइंट कोई मान लेंगे यहाँ पे, जैसे इसने दिया हुआ है पॉइंट बी, ठीक है ना, ए से पॉइंट बी तक जाती है 17 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, और फिर बी से वापस सी तक 14 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो यहाँ पे जा रही है ना ये नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरह से ए टू बी, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको किससे करेंगे फिर, साउथ को, ठीक है ना, जो साउथ डायरेक्शन में ये जाएगी इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। सीधा सा है कि अगर ये पॉजिटिव से है तो उसी डायरेक्शन उसी रोड के अलोंग अपोजिट आ रहा है उसके, तो ये नेगेटिव इंटीजर से इसको शो करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में इसने बोला है कि आप किस इंटीजर से शो करोगे इसकी फाइनल पोजिशन को, ए पॉइंट से, ठीक है ना, कार की जो पोजीशन होगी ए पॉइंट से, इसको आप किस इंटीजर से शो करोगे, मींस यहाँ पे इसने पूछा है कि आप उसको नेगेटिव इंटीजर से शो करोगे आप या फिर पॉजिटिव इंटीजर से शो करोगे, ठीक है। अगर हमारी इस डायरेक्शन में होती है साउथ की डायरेक्शन में, तो सीधा सा हम उसको किस में करेंगे, नेगेटिव इंटीजर में शो करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने इसका ले लिया है फिगर। तो इसने बोला था कि ए से एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाती है, 17 किलोमीटर जाती है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से कि ए से यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो बी तक कितना जा रही है, 17 किलोमीटर, और फिर इसी रोड के अलोंग वो यहाँ से आ रही है 14 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं मान लूँगा इसको कि वो यहाँ तक आ रही है कितना, 14 किलोमीटर, बी टू सी, इसको मान लूँगा मैं पॉइंट सी, ठीक है, इतना आ रही है वो। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम ए टू बी इन नॉर्थ,
ए टू बी इन नॉर्थ डायरेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये हुआ है 17 किलोमीटर, ठीक है। साउथ में था तो ये पॉजिटिव इंटीजर। अब इसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम बी टू सी, देखिए बी टू सी, बी से लेके सी तक कितना ट्रेवल कर रही है, ये कर रही है 14 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारे पास इंटीजर है ये होगा नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि इसने बोला है नेगेटिव नेगेटिव इसके लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है ना, एक नेगेटिव इंटीजर। तो फाइनल पोजिशन ऑफ कार, तो फाइनल पोजिशन क्या होगी कार की, ये हो जाएगी हमारे पास 17 किलोमीटर माइनस 14 किलोमीटर, तो कितना बनेगा ये बन जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। सो अब इसने पूछा था कि जो इसकी कार की पोजीशन होगी ए से, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम एक नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, तो सो नेगेटिव इंटीजर विल रिप्रेजेंट ऑफ कार पोजीशन 3 किलोमीटर्स टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें इसको, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस तरह से चलते हैं इस यहाँ पे, ठीक है, इसकी इसकी डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी कितनी बन जाएगी, 3 किलोमीटर बनेगी। देखो ये टोटल हमारे पास कितना था, ये 17 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक गई कार और वापस इसी रोड पे यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, बी टू सी, तो इसमें से माइनस कर लेंगे इसको 17 माइनस 14, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास कितनी बनेगी, ये बनेगी 3 किलोमीटर, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसको इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ क्या ले रहे हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर में शो कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा यहाँ पे, रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स और ओवर द नेक्स्ट सेकेंड, हाउ मेनी सेकेंड्स विल सी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि रीना है जो 1 सेकंड में 5 स्टेयर्स अप जाती है, ठीक है ना, 5 स्टेयर्स चढ़ती है, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ती है, और फिर जो अगला सेकंड है एक उसमें 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, ठीक है ना, तो वो कितने सेकंड्स में जो 60 सीढ़ियाँ हैं उनको उनको चढ़ लेगी। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 सेकंड में तो वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ रही है और उससे अगला जो सेकंड होगा मीन्स एक और सेकंड होगा उसमें 2 सीढ़ियाँ चढ़ रही है, तो मैं इसका क्या कह सकता हूँ कि वो 2 सेकंड में 5 माइनस 2 करके कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, 3 सीढ़ियाँ चढ़ रही है 2 सेकंड में, ठीक है। तो फिर हम इसका यूज करके 60 स्टेयर्स उसका निकाल लेंगे कि कितने टाइम में चढ़ेगी। देखो इसको किस तरह से राइट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे है रीना क्लाइम्स अप इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में रीना कितना कितनी सीढ़ियाँ चढ़ती है, ये चढ़ती है 5 स्टेयर्स, और रीना क्लाइम्स डाउन इन 1 सेकंड, तो अगले दूसरे जो 1 सेकंड होगा हमारा, ठीक है ना, 1 सेकंड में ही यहाँ पे, तो 1 सेकंड में कितना स्टेयर कितना स्टेयर्स उतर रही है, वो 2 स्टेयर्स, सो रीना क्लाइम्स इन 2 सेकंड, तो इन दोनों को मिला के, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हमारे पास हो गए 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ती है, तो 5 ऊपर जा रही है, 2 नीचे आ रही है, तो 5 माइनस 2 करके मेरे पास हो जाएंगी 3 सीढ़ियाँ, ठीक है ना, 2 सेकंड में 3 सीढ़ियाँ हो जाएंगी। सो अब हम इसको करेंगे टाइम टेकन, क्योंकि उसने पूछा था कि 60 स्टेयर्स चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम करेंगे इसको टाइम टेकन टू क्लाइम 3 स्टेयर्स, तो ये जो हमारे पास फाइनल आया ना इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 स्टेयर्स चढ़ने में उसको कितना टाइम लगा, ये लगा 2 सेकंड्स, ठीक है, 2 सेकंड्स लग गया। अब यूनिटरी मेथड का यूज करके इसका 60 स्टेयर्स का निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 का हमारे पास 2/3 सेकंड्स, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 2/3 × 60, तो ये आ जाएगा इतना हमारे पास कितना 40 सेकंड्स, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे रीना टेक 40 सेकंड्स टू क्लाइम 60 स्टेयर्स नीचे, ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट।